भाजपा ने कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि देखिए अपराध का कांग्रेस कनेक्शन ये है। रायपुर महापौर का मोहलंगा गोलीकांड का फरार आरोपी हीरा, वही हीरा जिसने केंद्रीय जेल के सामने गोलीकांड को अंजाम दिया। 5 साल में मिले कांग्रेस संरक्षण ने इनका हौसला बुलंद कर दिया था, पर अब और नहीं, ऐसे अपराधियों पर अब विष्णु का सुदर्शन चलेगा। वही भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस की संलिप्तता रहती है। उन्होंने कहा कि रायपुर शहर में सेंट्रल जेल के सामने कल जो घटना हुई है उसमें तीसरे फरार आरोपी का एक चित्र रायपुर के महापौर के साथ दिखाई दे रहा है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दीपक बैज और भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को अपराध से इतना प्रेम क्यों है। वैसे भी कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा ही है, लेकिन इस पंजे का कितना दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि हर एक जो अपराध हो रहा है उसके पीछे जो जांच हो रही है, जो अपराधी पाए जा रहे हैं उसमें कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व हैं। चाहे सूरजपुर की बात करें, चाहे बलरामपुर घटना की बात करें, चाहे लोहारीडी की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस के पदाधिकारी उसमें संलग्न पाए जा रहे हैं। चाहे बलौदाबाजार की बात करें जहाँ पर देवेंद्र यादव जी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज कल जो घटना हुई है इस रायपुर शहर के अंदर में सेंट्रल जेल के सामने, दो मौधा पारा के जो बदमाश जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन तीसरा जो फरार जो अपराधी है उसके चित्र आज रायपुर के महापौर के साथ में दिखाई दे रहे हैं, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? और दीपक बैज जी कहाँ छुप कर बैठे हैं? दीपक बैज जी को बताना चाहिए कि कल जो गोली चली है उसका एक जो फरार अपराधी है जिसके पीछे पुलिस प्रशासन लगा है उसके चित्र महापौर के साथ में आ रहे हैं। दीपक बैज जी को बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि आखिर अपराध से इतना प्रेम कांग्रेस के नेताओं को क्या क्यों है, और क्या कांग्रेस में पदाधिकारी बनना, ये संगठन में आने की प्राथमिकता यही है क्या कि पहले आप अपराधी रहो फिर कांग्रेस के पदाधिकारी बनो?